हनुमान जी जैसे सीता मैया की रक्षा की थी, वैसे ही हर नारी की आप रक्षा करना और करते रहना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर झायर व्लॉग्स। मॉर्निंग हो चुकी है, ठंडी ठंडी, इतनी ठंडी रात को क्विल्ट ली। और हुआ क्या कि हमें ना कुछ शूट करने थे, तो मैंने अरुण को बोला, मैंने कहा अरुण मैं 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं शूट करूंगी। तो अरुण ने कहा ठीक है। तो मैंने स्वेटर वगैरह पहना था, पजामा, और मैं रजाई के अंदर लेटी 5 मिनट या 5 सेकंड बाद नहीं पता मैं कहा हूँ। फिर अरुण ने उठाने, मेरी रात को 2 बजे नींद खुली। मैंने कहा अरुण क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं अब सो जा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरे पति देव जो है, क्योंकि मैंने शूट अभी करके दी, एडिट कर रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। यार मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि हमें छोटा छोटा सा काम था। तो फिर अरुण ने कहा कि उपासना मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा आप ये कर लो, फिर मैं तब तक वो निपटा आती हूँ, क्योंकि उसके बाद आज हमें घूमने जाना है एडवांस स्टडी। तो यार ये सुबह सुबह शिमला, और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ लोअर मॉल रोड, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ काम है। अरुण तब तक यहाँ का काम कर लेंगे, मैं वहाँ का निपटा लूँगी। स्वेलिंग कल मुझे रात को पेन किलर लेनी ही पड़ी, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था, तो ये पूरी स्वेलिंग आ गई है। यार दिन में धीरे धीरे अब उतरेगी। तो यार मैं आ गई इंडियन कैफ़े हाउस। अरुण को तो अभी मतलब वहीं रूम पे हैं, तो हमने सोचा था ब्रेकफास्ट करना है, पर मुझे भूख लग गई थी बहुत तेज, तो मैंने सोचा मैं एक सैंडविच खा लेती हूँ, वेज सैंडविच, और उसके बाद जाती हूँ, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे दोबारा, क्योंकि अभी रेडी होके आने जाने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। बट मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो फिर मैं इतनी देर खाली पेट नहीं रह सकती थी। और ये है पूरा इंडियन कैफ़े हाउस, बहुत ही पुराने टाइम का बना हुआ, यहाँ का मेन्यू भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। सॉरी अरुण, मैं आपके बिना सैंडविच खा रही हूँ, मेरा वेज सैंडविच आ गया है। ये अच्छा, तो मैं नीचे से बोलती है, मैंने कहा धाम की खुशबू आ रही है, कहीं तो बन रही है। एक मिनट, हाथ। जस्ट अभी ना हम अपने होटल से निकले थे, हम जा रहे थे रास्ते में, इनको खुशबू आ गई हिमाचली धाम की, तो कह रही मैं खा के जाऊंगी, तो अब ये खाने बैठे हैं। और ये होती है अपने खाने की स्मेल, आपको कहीं तक भी पहुंच जाती है, इसमें आपके नाक का भी उतना ही। तो वो कहते हैं ना, आप लोग कहीं भी रह लो, जो आपके खाने की खुशबू है ना, वो यहाँ से जाके सीधी यहाँ आपके दिल तक जाती है। तो सुबह ही जब मैं सामान लेके गई, मैंने जाते ही रूम में बोला अरुण कहीं तो धाम बन रही है, और मेरी ऐसी रीझ टिकी हुई थी ना, और जैसे निकली मिल गई और मज़ा आ गया। मदरा माणी दाल सेपू बड़ी नहीं बना रखी थी आंटी ने, मदिरा। तो यार इतना टेस्टी खाना, मज़ा आ गया। मेरा तो ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच सब कुछ हो गया, अब मैं अरुण को लेके जा रही हूँ। सक्सेसफुल हो गया मेरा ट्रिप, सक्सेसफुल हो गया। मैंने इतने मैं तृप्त हो गई, मेरे इस ट्रिप पे मैं तृप्त हो गई। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी इंडियन कॉफी हाउस ही जाएंगे, क्योंकि डोसा ले लेंगे बिल्कुल हल्का सा जो डाइजेस्ट हो जाए, चाइनीज बिल्कुल नहीं अभी, उसके बाद कैसे भी खाएं जब वहां से वापस आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेके चलने पड़ते हैं इनके साथ में। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, हमें लेनी है टैक्सी एडवांस स्टडी के लिए, और अरुण कर रहे हैं कुछ अपना काम। तो यार हमने ले लिया अभी यहाँ से कैब, हम निकल गए एडवांस स्टडी के लिए। पहले यहाँ पे ना शेयरिंग कैब आती, पर हमने बोला, मैंने बोला कि टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट कैब करते हैं। तो भैया ने छोड़ भी दिया, भैया का लंच टाइम था, पर भैया कहते चलो ठीक है मैं आपको छोड़ के लंच कर लूँगा। तो अब जा रहे हैं एडवांस स्टडी, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो मैंने सोचा उनको ये भी दिखाना, और उसके पास में बर्ड सेंचुरी भी है, बर्ड पार्क भी है, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, और यहाँ पे है स्टेट म्यूज़ियम, ठीक है, ये हिमालयन बर्ड पार्क भी है। यहाँ से चौड़ा मैदान थोड़ा सा दूर पड़ेगा, बट पहले हम यहाँ पे घूमेंगे। तो पहुँच गए वहाँ, 15 मिनट इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हाँ। अरुण तुम्हारी इतनी ग्लो करती स्किन का राज क्या है? वेद आयुर्वेद का फेस वॉश। नहीं मतलब वैसे मैंने अभी वो 2-3 दिन पहले नवारा करवाया था, और ये मैंने सेकेंड टाइम करवाया है नवारा, जब कहीं जाना होता है बहुत उसमें तब करवा दे, लेकिन यार आप लोग ट्राई करो, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप इनके चेहरे पे चमक देख के समझ सकते हैं, ठीक है, और ना कोई मॉइस्चराइजर कुछ नहीं लगा रखा भाई, मतलब ऐसा नहीं कि देखो शिमला में आ रखा हूँ, कोई मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब आपकी स्किन इतनी हेल्दी और इतनी ग्लोई हो जाएगी। सो हम यहाँ पर एंटर हो रहे हैं एक बहुत ही पॉजिटिव लाइन के साथ, जो मैंने जस्ट अभी उपासना ने एक रील अपलोड की थी उस पर भी लिखवाई थी, कि हनुमान जी जैसे सीता मैया की रक्षा की थी, वैसे ही हर नारी की आप रक्षा करना और करते रहना।
तो अब हम लोग मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी हम जा रहे हैं एडवांस स्टडी, तो मैं कल अरुण को ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, तो वही हम कल बात कर रहे थे कि देखो ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है एक इतना सा ऐसे से ऐसे नहीं हो रहा आज कल की बनी हुई बिल्डिंग्स एक साल के अंदर उनमें दरारें आ जाती हैं। ठीक है, परिवार में दरार और इमारतों में नई बनी हुई बहुत जल्दी आ रही है आजकल। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे को ना यार नई नई जगहों पे घूमना बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना, वहां के खाने को खाना। ठीक है, दो में खाता सेम ही चीज हूँ। धाम नहीं खाई पर धाम यार मेरे को ना वो टेस्ट मेरे को थोड़ी सी वो उसमें खटास वाला टेस्ट आता है मेरे को, तो वो थोड़ा सा कम पसंद है। एंड ये हम पहुंच गए हैं एडवांस स्टडीज, सो अंदर जाके देखते हैं कैसा रहता है। मेरा फर्स्ट टाइम है, इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, थोड़ी सी अभी धूप आ गई है तो इसलिए आपको एडवांस स्टडी थोड़ा चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले का जो मौसम था ना उसमें ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे हमने ली टिकट एंड आई गेस यहाँ से हमारी एंट्री है। और यार जैसा कि मैंने पिछले क्लिप में बोला था कि धूप हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा। अब देखो आप थोड़ा सा व्यू और अच्छा किया है उपासना ने आके। ये होता है डिफरेंस दो साल बाद शादी के। अगर जब हम नए नए मिले तब मैं ये बोलता था कि व्यू ख़राब कर दिया। अच्छा ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना भाई, इसका जो बाहर का एक्सटीरियर है, आई नो कि आप लोग थोड़ा पक गए हो गए दो तीन जगह पे ये सुन सुन के कि एक्सटीरियर एक्सटीरियर, बट भाई ये वाकई में बहुत ही क्लासी लग रहा है ये भाई। मज़ा आ गया भाई। और इधर ये व्यू है इस साइड। मोहब्बत शुरुआत में अच्छी लगी, बाद में सिर्फ नुक्स गिनवाए गए। यार एक ही बार तो बस बन पाया है, बार बार कौन से ताजमहल बनवाए गए। और वो लड़के भी मोहब्बत की जिद कर रहे हैं, जिनसे अपनी आस्ती के बटन तक ना लगाए गए। और एक बस महबूब की खुशी के वास्ते, एक बस महबूब की खुशी के वास्ते पासवर्ड सारे अपने बताए गए। और ये बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे फूल। अंदर ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन यार इतना खूबसूरत, मतलब इतना खूबसूरत भाई। अंग्रेज ना हम पे राज करके गए ना, जितना भारत देश हमारा है ना साला, इससे 100 गुना बेहतर था यार, हमें बर्बाद करके चले गए हैं। ऊपर ना पूरा फायर सेफ्टी का इंतजाम कर रखा है कि अगर, क्योंकि पूरा पूरी जो बिल्डिंग है वो वुडन उसमें है, तो अगर कभी आग लग गई बाय चांस तो, मतलब उस टाइम की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, देखने में यार बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर कभी शिमला आए तो ज़रूर आना। ये यहाँ का गार्डन है, बढ़िया सी हवा चल रही है, मुझे बुलाया गया है या तो किसी शूट के लिए या किसी पिक्चर के लिए। हाँ जी ओके। तो एक्चुअली हम वेकेशंस पे नहीं, मैं अरुण के पर्सनल शूट के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से सिर्फ मेरे से शूट करवाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो अरुण की पहले आती थी रील्स और जो अब आती हैं उनमें से कौन सी रील्स ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब शूट पर्पज़ से। खैर शायरी तो इन्हीं की है, ठीक है, खुद के मुँह से बोलो। जय श्री राम। सो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के बाद हम बाय बाय करते हैं एडवांस स्टडीज़ को, और अब हम लोग जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अगर हम टाइम पे पहुंच पाए तो। उपासना का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है प्ले देखने का, सो वी आर ट्राइंग कि अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो हम आज प्ले देखेंगे। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी।